और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना अब 1,29,000 रुपये महंगा हुआ है। 24.72 वर्ग मीटर का आवास अब 7.30 लाख में मिलेगा और एलडीए के प्रस्ताव को आवास विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है। और 24.72 वर्ग मीटर और 22.72 वर्ग मीटर में बनेंगे मकान। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर पीएम आवास 1.29 लाख रुपये महंगा हुआ है। 24.72 वर्ग मीटर का आवास अब 7.30 लाख में मिलेगा। एलडीए के प्रस्ताव को आवास विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है और 24.72 वर्ग मीटर और 22.72 वर्ग मीटर में बनेंगे मकान। तो बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास का ये पूरा मामला है, जहां पर पीएम आवास 1.29 लाख रुपये महंगा हुआ है, यानी कि 1,29,000 रुपये का अब हो गया है। 24.72 वर्ग मीटर का आवास अब 7.30 लाख में बनेगा। एलडीए के प्रस्ताव को आवास विभाग ने हरी झंडी दे दी है और हरी झंडी मिलने के बाद में पीएम आवास अब और महंगा हो गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, पीएम आवास अब और महंगा हो गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल जो है पीएम आवास के जिस तरीके से उसके कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जिन लोगों को लाभ मिलता था उनकी, चाहे अगर किस्तों की बात की जाए या फिर उन जो जो एक अमाउंट होता था कि ये जिस तरीके से इसको जमा करना है वो महंगा हो चुका, तो उसके लिए तो लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा बोझ है जो प्रधानमंत्री आवास योजना कहता है, जो गरीब लोगों को या कह सकते हैं ग्रामीण लोगों को जो मिलता था वो कहीं ना कहीं महंगा हो चुका है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो एलडीए के प्रस्ताव के साथ जो विभाग ने अब हरी झंडी दी है, आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरीके से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जो प्रधानमंत्री जो है आवास योजना के धारक जो थे उनको कहीं ना कहीं कह सकते थे कि जो है जो शुल्क है और जो मासिक शुल्क थी उसको जो है तरीके के बाद अब जो एनडीए ने जो प्रस्ताव जो है भेजा है उसमें जो है एक दो। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर पीएम आवास 1.29 लाख रुपए महंगा हो चुका है। 24.72 वर्ग मीटर का आवास अब 7.30 लाख में मिलेगा और एलडीए के प्रस्ताव को आवास विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है और उसके बाद 24.72 वर्ग मीटर और 22.72 वर्ग मीटर में मकान बन सकेंगे।